बदलाव जिंदगी में बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हम बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो सब कुछ बदलना संभव नहीं है और क्या पता मेरा ये छोटा सा बदलाव कुछ क्रांति लेकर आएगा या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर चीज या बदलाव की शुरुआत बहुत ही बेसिक ढंग से होती है। कई बार तो सफलता हमसे बस थोड़े ही कदम दूर होती है कि हम हार मान लेते हैं, जबकि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखकर किया जाने वाला कोई भी बदलाव छोटा नहीं होता और वो हमारी जिंदगी में एक नींव का पत्थर भी साबित हो सकता है। चलिए एक कहानी पढ़ते हैं, इसके द्वारा समझने में आसानी होगी कि छोटा बदलाव किस कदर महत्वपूर्ण है। एक लड़का सुबह सुबह दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। एक दिन उसने इसके पीछे का कारण जानने की सोची। वो लड़का महिला के पास गया और उनका अभिवादन कर बोला, नमस्ते आंटी, मैं आपको हमेशा इन कछुओं की पीठ को साफ करते हुए देखता हूँ, आप ऐसा किस वजह से करते हो? महिला ने उस मासूम से लड़के को देखा और इस पर लड़के को जवाब दिया, मैं रविवार यहाँ आती हूँ और इन छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ करते हुए सुख शांति का अनुभव लेती हूँ, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचता जमा हो जाने की वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ये कछुए तैरने में मुश्किल का सामना करते हैं। कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहे तो ये कवच भी कमजोर हो जाते हैं, इसलिए कवच को साफ करती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान था। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंटी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में है, जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते तो उनका क्या, क्योंकि आपके अकेले के बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। महिला ने बड़ा ही संक्षिप्त लेकिन असरदार जवाब दिया कि भले ही मेरे इस कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो इस एक कछुए की जिंदगी में तो बदलाव आएगा ही न, तो क्यों हम छोटे बदलाव से ही शुरुआत करें।